आप देख सकते हैं फिलहाल मैं सोलारजन कॉलोनी टोली चौकी जो पेट्रोल पंप के पीछे जो वाकया पेश है एकदम वहीं पर हूँ। आप देख सकते हैं आग को किस हद तक काबू में कर लिया गया है, तकरीबन 80% आग को काबू में कर लिया गया है। जीएचएमसी और फायर ब्रिगेड्स, फायर इंजन्स, पुलिस, मुकामी कॉरपोरेटर्स, एमएलए, तमाम लोगों की बहुत ही अच्छी जस्तजू थी और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये चीज़ को वायरल कर रहे हैं कि यहाँ पर पेट्रोल पंप को आग लगी है। तो आप देख सकते हैं मैं लाइव आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से मैं आकाशम टीवी रिपोर्टर सैयद अब्दुल रऊफ आपको ये चीजें बता रहा हूँ। कोई किस्म का तो नाजरीन आप देख सकते हैं आकाशम टीवी के साथ मैं सैयद अब्दुल रऊफ आपको सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी से लाइव बता रहा हूँ। पेट्रोल पंप पर आग लगी है बोलकर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई माहौल यहाँ पर नहीं है, ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है। पुलिस को भी आप देख सकते हैं, पुलिस का भी बहुत अच्छा काम था और डीआरएफ वालों का भी बहुत अच्छा काम था। मेरे के पूरे लोगों ने मिलकर किस हद तक आग को रोक लिया, यानी 80% तक आग को बुझा दिया गया है। नागरिक देखने की बात यह है कि ये आग लगी क्यों थी, क्या वजह थी, शॉर्ट सर्किट थी या फिर कोई लगा है, इसकी तमाम तफसीलात अभी निकल कर बाहर नहीं आ रही। जैसे ही अपडेट्स आएंगे मैं आपको तो आप देख सकते हैं नाज़रीन, मैं आकाशम टीवी के साथ सैयद अब्दुल रऊफ, आप देखते रहिए आकाशम टीवी। अभी 8:30 बजे मुझको टोली चौकी सुत्तेगिरी से इत्तला मिली। हमारे अभी नवाब साहब ने मुझको फ़ोन पर इत्तला दिया कि सुत्तेगिरी के अंदर 35 साल से वहां पर आयल के गोडाउन है और गोडाउनों को लगकर तमाम मकान आते हैं सुत्तेगिरी के हमारे नवाबों के, वहां गोडाउनों में आँच लगी। ये 3 गोडाउन है, 3 में से 1 को अभी कंट्रोल करे, अभी 2 गोडाउनों पर आँच लग रही है। जिसके बाद मुझको इत्तला मिलने के बाद मैं फौरी स्पॉट पे पहुंचा, आकर हैदराबाद कलेक्टर से बात किया और कमिश्नर साहब से बात किया, वाटर एमडी से बात किया और जहां तक हो सकता आसिफ नगर से और शेखपेट से पानी के टैंकर्स को मंगाया जा रहा है। अभी प्रेजेंट 7 से 8 फायर स्टेशन की गाड़ियाँ यहाँ पर आए, अभी काम चल रहा है और कोई जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ, माली नुकसान काफ़ी नुकसान हुआ। इंशाल्लाह अभी यहाँ पर तमाम डिपार्टमेंट के लोग आए हुए हैं यहाँ पर। मैं इस मीडिया के जरिए आवाम से गुजारिश करता हूं कि आप किसी के बातों में गुमराह मत किए, यहाँ तमाम के तमाम अहदेदार और हमारी जमात के तमाम वर्कर्स, हमारी जमात के कॉर्पोरेटर्स भी यहाँ पर मौजूद है। शुक्रिया। सर्किट की वजह से आयल के गोडाउन में आँच लगी।